सो हेलो माय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो भाई फ्री फायर में न्यू रिंग इवेंट आ चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों जो थॉमसन गन की स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और इसकी जो थीम है वो टाइगर पे बेस्ड है। बट दोस्तों यहाँ पर इस गन की स्किन को निकालने से पहले अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखते हो तो आपका काफ़ी डायमंड वेस्ट होने से बच जाएगा। एंड बात करेंगे कितना डायमंड लगने वाला है इस गन की स्किन को निकालने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका एनिमेशन। तो देखिए इस गन का जो एनिमेशन है वो काफ़ी शानदार है, आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है कि यहाँ पे जब भी आप फर्स्ट डाउन करोगे, डबल डाउन करोगे, ट्रिपल टेक डाउन करोगे या क्वार्टर टेक डाउन करोगे, तो यहाँ पर इसका जो एनिमेशन है वो आपको देखने को मिलेगा और साउंड भी देखने को साथ में मिलेगा, जो कि बहुत ही शानदार है। बट दोस्तों यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम जो इस गन में देखने को मिली है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एंड इसकी जगह पर मैं आपको एक अदर गन सजेस्ट करने वाला हूँ, जो कि ईवो गन है और बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखो और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप सेट कर लेना। देखिए यहाँ पे अगर हम डैमेज की बात करते हैं तो इससे मुझे एक कमी लगी, इसका डैमेज देख लो डबल डैमेज है। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसका जो रेंज है वो आपको देखने को मिलती है सिंगल, ठीक है, सिंगल रेंज देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, अगर इस रेंज की जगह पर यहाँ पर ये रेट ऑफ फायर सिंगल या फिर डबल रेट ऑफ फायर देते तो ये गन की स्किन काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती। क्योंकि दोस्तों जो ईवो की गन है आपने देखा होगा, जो अभी नई आई थी रेड कलर की थॉमसन की, वो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। वहाँ पे डैमेज भी है और रेट ऑफ फायर है। और बात करते हैं ईवो गन और ये जो गन की स्किन आपकी न्यू निकली है यहाँ पर देख सकते हो, ये इसमें कौन मतलब साइवर, इसका नाम है साइवर, देख सकते हो साइवर क्लास करके कुछ नाम है इसका। तो ईवो वाली अपनी थॉमसन और ये, तो ईवो की गन जो है हमारी वो विन हो जाएगी अगर इसकी उसकी टक्कर होती है, अगर मतलब सामने वाला बंदा ईवो लेके आता है और आपके पास ये वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि रेंज आपको देखने को मिलती है सिंगल और डैमेज डबल देखने को मिलता है। और उस गन में ईवो वाली में आपको वहाँ पर डैमेज जो था वो भाई देखने को मिल रहा था सिंगल, और रेट ऑफ फायर जो था वो आपको डबल देखने को मिल रहा था। ईवो वाली गन में जो रेट ऑफ फायर था वो डबल आपको देखने को मिल रहा था, और यहाँ पर जो रेट ऑफ फायर है वो बिल्कुल है ही नहीं। एंड इसके अलावा रिलोड स्पीड भी कम है इसकी, एंड रेंज आपको सिंगल देखने को मिल रही, तो रेंज कोई खास काम आने वाली नहीं है, डैमेज डबल है। बट दोस्तों ईवो के सामने ये हार जाएगी, मतलब ईवो के सामने ये गन कहीं भी टिकने वाली नहीं है। तो अगर आप इसकी जगह पे ईवो गन की स्किन निकालते हो तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, टोटल जो डायमंड है वो आपका कम से कम 2000 डायमंड, आप मान के चलो कि 2000 डायमंड आपका लगने वाला है इस गन की स्किन को निकालने में। एंड इसके अलावा दोस्तों आप पूरा ये जो बंडल है और ये जो लेडीज़ बंडल है इसको निकालोगे तो आप मान सकते हो ये तीनों जो आइटम है कम से कम आपका 3000 डायमंड, 3 से 3500 डायमंड लग जाएगा। अब आप दोस्तों होशियार हो, समझदार हो, अब आपको ये गन की स्किन निकालना चाहिए या फिर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसी चक्कर में मैंने इस गन की स्किन को नहीं निकाला। एंड इसके अलावा जो इसका एनिमेशन है वो तो शानदार है, मैं तारीफ करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा एकदम ईवो गन की तरह इसका एनिमेशन है। बट दोस्तों यहाँ पर जो डैमेज है और जो रेट ऑफ फायर है बिल्कुल हमको डैमेज के अलावा और कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।